आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। श्रीलंका की हार से भारत WTC के फाइनल में पहुंचा। अतीक का करीबी बल्ली पंडित अरेस्ट, उमेश पाल हत्याकांड से 5 दिन पहले हिस्ट्री शीटर से मिली थी शाइस्ता। आगरा में 9 साल की बच्ची से रेप, जान से मारने के लिए पत्थर से किया हमला, खून से लथपथ पहुंची। हिस्ट्री शीटर की पत्नी का शव फंदे से लटकता मिला, 10 महीने पहले ससुरालियों को धमका कर की थी लव मैरिज, दहेज हत्याकार। मेरठ ग्रामीण के SP के घूस मांगने का वीडियो हुआ वायरल, व्यापारी बोला 10 लाख भेजता हूं, अनिरुद्ध कुमार ने कहा मिनिमम 20 भेजिए। नमस्कार, मैं हूं मुस्कान अजमानी और आप देख रहे हैं देश का लोकप्रिय चैनल प्राइम टीवी। चलिए रुक करते हैं उत्तर प्रदेश की खबरों की ओर, जहां अखिलेश यादव आज बिजनौर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कई निजी कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। वहीं एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि बसपा BJP को हराना नहीं चाहती है, सपा को हरवाना चाहती है। बसपा के लोग और नेता अम्बेडकर और काशीराम की नीतियों को भूल गए हैं और देश में संविधान को बचाने की लड़ाई सबको मिलकर लड़नी है। साथ ही उन्होंने कहा कि बिहार में चल रही ED और CBI की कार्रवाई लोगों का ध्यान भटकाने के लिए की जा रही है, सरकार अपना भ्रष्टाचार छुपाने के लिए ये तमाम कार्रवाई कर रही है। ये जिला वो है जिसने समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के दोनों लोकसभा के सांसद जिताए और उस समय यहाँ की जनता ने समाजवादी पार्टी के और बहुजन समाज पार्टी के गठबंधन में जो फैसला हुआ यहाँ के वोटर्स ने माना और आपने देखा कि उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी के इस जिले से और जो दोनों लोकसभाओं के जिले जुड़ते हैं दोनों लोकसभा जीतते हैं। तीन भी मान लें हम, लेकिन दो मुख्य मान लें हम। और जिस जिले में मैं गया था सीतापुर, जहां से बात मैंने कही, इसलिए कहा कि जो वहां के हमारी पार्टी के नेता और बहुत सारे समीक्षा के बाद ये बात निकल करके आई कि बहुजन समाज पार्टी BJP को नहीं हराना चाहती है, बहुजन समाज पार्टी का लक्ष्य ये है कि समाजवादी पार्टी हारे। और जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का रास्ता था, मान्यवर काशीराम जी का जो रास्ता था, वो रास्ता बहुजन समाज पार्टी के लोग भूल गए, उनके नेता लीडर्स, इसलिए वो बात मुझे कहनी पड़ी। और अगर आप कुशीनगर के सेवरही में किसानों को जागरूक और कृषि क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए कृषि प्रदर्शनी और मेले का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश सरकार में कृषि कैबिनेट मंत्री सूर्य प्रताप शाही सम्मिलित हुए। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने मेले में किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि किसान आज आधुनिक तरीके से पारंपरिक खेती कर अपनी आमदनी को दोगुना और आर्थिक स्थिति को बेहतर बना सकते हैं। जिलाधिकारी रमेश रंजन ने मेले में आए किसानों और कृषि अधिकारियों के साथ कृषि विशेषज्ञों का आभार व्यक्त किया। साथ ही भारतीय अनुसंधान संस्थान वाराणसी के कृषि निर्देशक कांति बोहरा ने कहा कि योगी और मोदी सरकार में किसानों पर ध्यान दिया जा रहा है। यहाँ देसई ब्लॉक के कम से कम यहाँ से 65 किसान आए हुए हैं हम लोग, और यहाँ बीज अनुसंधान केंद्र ये सरकटिया है, यहाँ सब्जी का बीज हर किस्म का यहाँ उत्पादन होता है और यहाँ मोटे अनाज का भी यहाँ प्रदर्शन होगा, बताया जाएगा। और ये 1 दिवसीय भ्रमण यात्रा है किसानों का, यहाँ पूरी जानकारी किसानों को मोटे अनाज के संबंधित प्लस बीज अनुसंधान केंद्र के पूरे यहाँ कार्यक्रम से उसको बताया जाएगा किसानों को। उसके बाद यहाँ माननीय मंत्री जी का कार्यक्रम है, भारत उत्तर प्रदेश सरकार की फोकस है कि मोटे अनाज को हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा विकसित करें, उसी के संबंध में ये भ्रमण यात्रा और ये गोष्ठी किया जा रही थी।
खबर फिरोजाबाद से है, जहां नगर निगम वार्ड नंबर 34 के श्रीराम कॉलोनी और श्रीपाल कॉलोनी का हाल इस वक्त दयनीय है, जिसको लेकर उत्तर मंडल से भाजपा अध्यक्ष ने नगर निगम पर सवालिया निशान उठाए हैं। उन्होंने कहा कि कई बार अवगत कराने के बावजूद अधिकारियों कर्मचारियों के काल पर जू तक नहीं देंगी है। वार्ड में कुछ गलियां हैं जो अभी भी कच्ची पड़ी हुई हैं। इसके बारे में नगर आयुक्त, क्षेत्रीय पार्षद और अन्य कर्मचारियों को कई बार अवगत कराने के बावजूद भी अभी तक कोई समाधान तक नहीं निकाला गया, जिस वजह से लोगों को काफी परेशानी का सामना भी करना पड़ता है। साथ ही उन्होंने कहा कि क्या ये गलियां नगर निगम में नहीं है या क्या ये बनने लायक नहीं है, और उन्होंने आगे कहा कि हम ये मांग करते हैं कि अगर हमारी फरियाद नहीं सुनी गई तो हम संबंधित विभाग के मंत्री को अवगत कराएंगे। श्रीपाल कॉलोनी की जो 30 मीटर की गली है, मैं आपको बताऊं वो दलदल में तब्दील हो गई है। गंदगी और मच्छर के कारण लोग बीमार पड़ रहे हैं, बच्चे घरों से नहीं निकल रहे हैं, महिलाएं कई बार वहां पर चोटिल हो गई हैं। तो मैं मेरा नगर निगम के अधिकारियों से ये कहना है कि इस संबंध में मैं आपको बताऊं, पहले भी हम लोग श्रीपाल कॉलोनी के लोग नगरायुक्त महोदय से मिले हैं, पहले भी हमने ज्ञापन दिए हैं कई बार, लेकिन वही ढाक के तीन पात, आज तक कोई सर्वे तक नहीं हुआ। तो हमारा ये निर्णय है कि हमने एक सप्ते के अंदर, हम एक सप्ते का समय देते हैं नगर निगम के अधिकारियों को कि अगर एक सप्ते में अगर इनका निराकरण और गली का निर्माण कार्य शुरू नहीं होता है तो हम लोग जो गंदगी युक्त जो गलियां हैं, कीचड़ हैं, उसी में बैठ करके और धरना प्रदर्शन करेंगे। खबर आगरा से है, जहां एक मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। बता दें कि थाना शाहगंज कैंट रेलवे स्टेशन के पास एक बच्ची शौच के लिए गई थी, जहां रेलवे लाइन पर बैठे दरिंदे ने उसके साथ दुष्कर्म किया, साथ ही उसके सर पर पत्थर से प्रहार तक किया गया। खून से लथपथ हालत में बच्ची घर पहुंची, जिसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस घटना से गुस्साए लोगों ने मौके पर जमा होकर रोड भी जाम कर दिया। डीसीपी विकास कुमार ने इस दौरान लोगों को समझा बुझाकर जाम खुलवाया। फिलहाल पुलिस अब पूरे मामले की जांच पड़ताल करने में जुटी हुई है। यहाँ सर सवेरे एक बच्ची थी नगला पुलिया की, वो सुबह शौच के लिए आई थी सुबह 5 बजे। तो यहाँ बता रहे कि अज्ञात व्यक्ति था, वो बच्ची जो शौचालय के लिए गई थी उधर, और पीछे झाड़ियों में एक बंदा ले गया, उसने उसके साथ बलात्कार किया है और बहुत गंभीर हालत में, और क्षेत्र की जनता है वो बड़े आक्रोशित में है। यहाँ थाना सागंज क्षेत्र में सरायकोया चौकी क्षेत्र में एक बच्ची जिसकी उम्र लगभग 9 वर्ष बताई जा रही है, वो यहाँ पे सुबह शौच करने को आई थी, उनके परिवारजन बता रहे हैं, और तभी किसी अज्ञात व्यक्ति के द्वारा उसके साथ दुष्कर्म किया गया है। उसे इलाज के लिए हॉस्पिटल भेज दिया गया है, पुलिस बल मौके पर मौजूद है, घटना से निरीक्षण किया जा रहा है और उसके आने जाने के रूट को आइडेंटिफाई किया जा रहा है। कुल 6 टीमें बनाकर उसके पता रशी में लगा दी गई हैं। ताजनगरी आगरा में दरिंदगी की वारदात रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। आपको बता दें कि 7 दिन में ये दूसरी घटना है जो ताज़ा मामला आगरा के थाना सागंज क्षेत्र के पुलिया का है, जो मासूम बच्ची के साथ एक युवक ने दुष्कर्म किया। दुष्कर्म के बाद मासूम बच्ची अपने परिवार के पास गई, परिजनों से मिली जो खून में लथपथ थी। उसके बाद परिजनों ने थाना सांगंज में तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कराया। वहीं गुस्साए लोगों ने रोड जाम कर दिया। मौके पर पुलिस और डीसीपी विकास कुमार पहुंचे, लोगों को समझा बुझाकर जाम खुलवाया। इसके बाद डीसीपी विकास कुमार ने जल्द ही गिरफ्तारी करने के लिए 6 टीमें भी लगाई गई हैं। आपको बता दें कि ताजनगरी आगरा के थाना सागंज क्षेत्र के अंतर्गत की ताज़ा घटना है जो मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म किया है। अब देखने वाली बात ये होगी कि आगरा पुलिस कब तक उस आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजती है। अपने सहयोगी उमर के साथ जीशान अहमद, प्राइम टीवी आगरा। अगली खबर बुलंदशहर से है, जहां भी एक युवती के साथ दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। बता दें कि एक होटल में 2 युवकों ने युवती के साथ गैंग रेप किया है। आरोपी बहाने से युवती को बाइक पर बिठाकर घर से साथ ले गए, जिसके बाद उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया और साथ ही गैंग रेप का वीडियो भी बनाया है।
पीड़िता का आरोप है कि दबंग फोन पर गलत मैसेज भेजकर उसे धमकी देते थे। फिलहाल पीड़िता की तहरीर के आधार पर पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। वहीं ये पूरा मामला बुलंदशहर के थाना नरौरा क्षेत्र का बताया जा रहा है। सर, सबसे पहले ये मुझे ले गए, बाइक पे उठा गए घर से। मतलब ये बोला था कि तेरी मम्मी के वो चारा एक्स्ट्रा हो गया, डेली चारा लेने जाते हैं मम्मी, तो ये बोल रहा था कि चारा ज़्यादा हो गया है, तो तेरी मम्मी ने बुलाया है चारा ले जाने के लिए। सर, मैं बाइक पे बैठ के चली गई, पर ये मुझे मतलब ऐसे सुनसान जगह पर ले गया। दोनों ने पहले मारपीट की, खूब ज़्यादा मारा पीटा, फिर उसके बाद फिर मुझे मतलब कि बाइक पर बिठा के होटल ले गया। उस पर सर फिर दोनों ने बारी बारी दो तीन बार सर मेरे साथ रेप किया, और फिर सर मेरी वीडियो फोटो ये जो वीडियो बनाई थी आपकी, आपको पता थी उस समय जब वीडियो बना रहे थे लोग? सर, इतना तो होता कि उन्होंने मेरे फोटो खींचे थे। आपकी जो बिटिया के साथ घटना घटित हुई थी, क्या है पूरा मामला? मेरे को सर 15 तारीख को पता लगा, इस रावी नाम के लड़के ने भद्दी भद्दी गालियां दी। मैं जब उनकी धारवाड़ा में काम करता हूँ प्राइवेट कंपनी में, वहीं पर मुझे इसकी रिपोर्ट, मतलब मैंने बेटी से पूछा क्या मान रहा है बेटे, तो इसने रोती रही, बताया नहीं मेरे लिए। मैंने इस बेटी से कहा शाम को कि बेटी सच बता, मैंने तुम्हारा सारा फोटो वीडियो देख लिए, अब सच बता दे, मेरे पास कुछ नहीं बचा। तो इसने मेरे को रोते हुए सारे विवरण बताया। इसको मैंने कहा बेटी मैं होली पे आऊँगा तो तेरे थाने में रिपोर्ट करवाऊँगा इसके नाम दर्ज, और इसका न्याय दिलवा के रहूँगा। अब खबर फिरोजाबाद से है, जहां लोगों को जलभराव की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। बता दें कि नगर निगम के मेयर नूतन राठौड़ ने तमाम वार्ड नंबरों में काम कराए थे और स्वच्छता का जमकर दावा किया था, लेकिन वार्ड नंबर 29 में लोगों को गलियों में जलभराव और नालियों के चोक होने से परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वह इस वार्ड की गलियों में जो नालियां बनाई गई हैं उनमें कीचड़ और गंदगी का अंबार लगा हुआ है। वार्ड में रहने वाले लोगों ने पार्षद और गली नालियों का ठेका लेने वाले ठेकेदार पर लापरवाही बरतने का आरोप लगाते हुए कहा कि ठेकेदार और पार्षद की मिलीभगत से वार्ड में कोई कार्य नहीं हुआ, नाली करने वाला भी कोई नहीं आता। अरे नाली भरी रहती है जी, मेरी दीवार सब फट गई है, हाल सा अच्छा कभी भी हो सकता है। अच्छा, नाली में पानी भरे रहने से नीम में जा रहा है आपकी में? हाँ। अच्छा, नाली की साफ सफाई नहीं होती? टाइम नहीं होती है, साफ सफाई वाले आते हैं क्या? बैठे रहते हैं, काम नहीं करते। हमारी समस्या ये है कि मतलब हमारे घर में नालियाँ मतलब लटी हैं, कूड़ा कोई निकालता नहीं है। कर्मचारी आते हैं वो मतलब ऊपर से सफाई कर लेते हैं और फोटो खींच के भेज देते हैं। हम यही चाहते हैं कि हमारी मतलब सिर्फ गली का सुधार हो, नालियाँ का सुधार हो, और खरंजा टूटा पड़ा है उसका सुधार हो, हमें कुछ ज़्यादा नहीं चाहिए। और पार्षद से कहते हैं तो वो ये बोलता है कि हमको वोट नहीं दिए हैं। समस्या ये है कि कोई गली की सफाई नहीं होती है जी। कभी झाड़ू नहीं लगा इसमें, ठीक है, ऊपर से पूरा निकाल लेते हैं नाली में से, कीच भरी पड़ी है, कीच भरी पड़ी रहती है। हाँ, अभी इसी टाइम भी बड़ी पड़ी है, तो आग निकल गया तो भी कोई नहीं आया। सफाई कितने दिन से नहीं हुई है? सफाई को तो कदम 20 दिन हो गए। देवरिया जिला पंचायत सदस्यों के साथ जिला पंचायत भवन के सभागार में बैठक हुई, जिसमें 2023-24 में होने वाले विकास कार्यों को लेकर चर्चा की गई। वह इस दौरान 52 करोड़ रुपए का बजट पास किया गया। ये बैठक जिला पंचायत अध्यक्ष गिरीश चंद तिवारी के नेतृत्व में हुई, जिनमें जिला पंचायत के 56 सदस्यों ने हिस्सा लिया। और बैठक के दौरान सदस्यों ने भारी हंगामा किया, जिनमें पूर्व वर्षों में कार्यों को लेकर चर्चा हुई। और बैठक में सदस्यों ने अधिकारियों के व्यवहार और कार्य को लेकर भी सवाल उठाए। वहीं मौके पर उपस्थित सीडीओ द्वारा संबंधित अधिकारियों को सख्त दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। जिला पंचायत की बैठक बहुत ही सौहार्दपूर्ण वातावरण में हुई, और जिला पंचायत के माननीय अध्यक्ष पंडित गिरीश चंद तिवारी जी की अध्यक्षता में शानदार बैठक आज की कही जाएगी, क्योंकि सदस्यों से संबंधित
जो दो विशेष मुद्दे थे उस पर पूरे सदन के सदस्यों ने एक मत जाहिर किया और सदस्यों ने प्रस्ताव उठाया कि जिला पंचायत के बजट में अन्य जनप्रतिनिधियों का अतिक्रमण जो हो जाता था वो अतिक्रमण न हो, जिसका माननीय सांसद और माननीय विधायकगण ने भी स्वागत किया और सम्मान किया। और आज ये तय हो गया कि आज के बाद जिला पंचायत के बजट का संपूर्ण जो प्रस्ताव लिए जाएंगे वो माननीय सदस्य और अध्यक्ष के ही प्रस्ताव पर विकास कार्य कराए जाएंगे। लोग अपने अपने क्षेत्र के अंतर्गत जो भी जनहित की सुविधाएं हैं उसी का सवाल उठाया और हर विभाग के अधिकारी आए थे, उन्होंने उसको संज्ञान में लिया, निस्तारण करने का आश्वासन दिया। बैठक हम लोग का चला करीब 6 से 7 घंटे बैठक चली, जिसमें हर बिंदु को टच किया गया, जिसमें एक प्रमुख मुद्दा इस जिले स्तर की है, हमारे यहाँ हमारे जिला पंचायत क्षेत्र में कुकुंदू एक विकासखंड का मुद्दा है जो काफ़ी दिनों से चल रहा है, जिसमें माननीय CDO साहब के समक्ष मैंने अपनी बात को रखा था। उन्होंने आश्वस्त किया कि जमीन ढूंढ लिया गया है और बहुत जल्दी ही शासन को जमीन उपलब्ध करा दी जाएगी, और उन्होंने कहा कि ब्लॉक की कार्रवाई भी लगभग पूर्ण हो चुकी है। और दूसरा मुद्दा एक राशन कार्ड से संबंधित था, जो तमाम लोगों ने उस सदन के समय हमारे साथियों ने उठाया, जिस पे संबंधित अधिकारी लोगों ने अपनी बात से हम लोगों को अवगत कराया और सदन बहुत सुचारू रूप से सही ढंग से चला। मैनपुरी थाना बेवर क्षेत्र के ग्राम किल्ले निवासी का मृत अवस्था में घर के बरामदे में शव मिलने का मामला सामने आए हैं। बता दें कि मृतका अपने घर में सो रही थी, जब उनके पुत्रों ने सुबह उठकर देखा तो वो मृत अवस्था में पड़ी मिली। देखने से ज्ञात हो रहा है कि महिला की धारदार हथियार से गला रेत कर हत्या कर दी गई है। वह सूचना पर पहुंचे पुलिस ने मृतका के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है, तो वही मृतका के पुत्रों ने हत्या करने की बात कही है। वही घटना का निरीक्षण करने पहुंचे जिला के आला अधिकारियों ने कहा कि साक्ष्यों के आधार पर कार्रवाई की जा रही है और जल्दी हत्या आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया जाएगा। माँ की हत्या कर दी है। अच्छा, किस स्थिति में बॉडी मिली उनकी? मरी हुई मिली थी उनको। अच्छा, क्या उम्र रही होगी और नाम क्या है उनका? उनका नाम शारदा देवी है, उम्र लगभग 70-72 साल होगी। 70-72 साल। क्या देखने से लग रहा है, कैसे की गई घटना? गला रेत दिया है। क्या कोई रंजिश वगैरह रही होगी? कोई रंजिश नहीं। थाना बेवर के किल्ली गांव में आज रात में एक वृद्धा है, करीब 70 साल से ऊपर उनकी उम्र होगी, और वो अपने घर के बरामदे में नीचे लेटी हुई थी। उनके गले पे धारदार हथियार से चोट पहुंचाकर उनकी हत्या की गई है। बाकी इनके बेटे उसी पोर्शन में ऊपर रहते थे और परिवार उनका ऊपर रहता था। जब सुबह उठे तो देखे हैं कि वो मृत पड़ी हैं। इस संबंध में तत्काल सूचना मिलते ही पुलिस ने पूरा घटनास्थल का निरीक्षण किया है और कुछ चीजें पुलिस को मिली है, जिसपे पुलिस काम कर रही है। बहुत जल्दी ही पूरी घटना का पर्दाफाश होगा। हरदोई में पचदेवरा इलाके में होली के दिन दुष्कर्म के बाद मासूम की हत्या के मामले में एक नया मोड़ सामने आया है। दरिंदों के परिजन सुलह के लिए पीड़िता को धमकाने में लगे हुए हैं। इसी के चलते पीड़ित परिवार ने सैकड़ों ग्रामीणों के साथ अनंगपुर चौराहा जाम कर दिया। बता दें कि 8 वर्षीय किशोरी के साथ दरिंदे ने दुष्कर्म किया, जिसके बाद उसकी हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मामले की जांच पड़ताल में जुट गई थी। तभी मृतका के पिता ने गाँव के ही कृष्ण कुमार पर दुष्कर्म का आरोप लगाया था, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था। अब आरोपी के परिजन मृतका के परिजनों से सुलह करने का दबाव भी बना रहे हैं, जिस बात से नाराज मासूम किशोरी के परिजन और ग्रामीणों ने अनंगपुर चौराहे को जाम कर दिया। फिलहाल पुलिस कार्रवाई का आश्वासन देकर ग्रामीणों को समझाती बुझाती हुई भी नजर आई। हमारी मांग ये है, अपराधी को सजा दी जाए, फांसी दी जाए, दूसरी बात उसका घर पर बिल्डोज चलाया जाए, और जो भी अपराधी घूम रहे हैं खुलेआम घूम रहे हैं, धमकी देते हैं, तुम्हारे भाई को मार डालेंगे, तुम्हारे लड़के को मार डालेंगे, खेत को नहीं जाने देंगे, उन्हीं से जाने का रास्ता है।
खबर फिरोजाबाद से है, जहां नगर निगम के वार्ड नंबर 55 से एक मामला सामने आया है, जहां भारतीय किसान यूनियन प्रधान के प्रदेश सचिव के साथ अन्य पदाधिकारी ने मिलकर नगर आयुक्त को एक ज्ञापन दिया और संबंधित समस्या से अवगत कराया। बता दें कि मोहल्ला ताड़ो वाली बगिया छिदामुल नगर की सड़कें काफी समय से खराब पड़ी है, सीमेंट की भी ईंट टूट चुकी है, जबकि नालियों की हालत भी बदतर है। इन्हीं समस्याओं का समाधान निकालने के लिए पदाधिकारी ने नगर आयुक्त को ज्ञापन भी दिया है। समस्या जी है सर, काफी समय से ताड़ो वाली बगिया में सड़क निर्माण खराब पड़ी है, 55 नंबर वार्ड में। लेकिन काफी लोगों ने ज्ञापन दिए, लेकिन कोई उस पर कार्य नहीं हुआ। उस समस्या को लेकर आज हम 13 तारीख में आए हैं। इसकी हमने 11 तारीख को एक बैठक की थी मजदूरों ने किसानों ने मिलकर, ये तय किया था कि 13 तारीख को हम एक ज्ञापन देंगे, उसमें अपनी बात को रखेंगे, जिसमें सड़क टूटी भी पड़ी है और तमाम टूटने के बाद में हुकड़ू भी पड़ी है और काफ़ी समय से ईंटें इतनी बर्बाद हो चुकी हैं, ताकि सरकार का और जनता का पैसा ऐसा यूँ ही बर्बाद हो रहा है। उसको बात को लेकर हम नगर निगम में आए हुए हैं आज। फरुखाबाद से एक दर्दनाक हादसा सामने आया, जहां अनियंत्रित ट्रैक्टर ट्रॉली के गड्ढे में पलटने से बड़ा हादसा हो गया। हादसे के बाद नाबालिग ट्रैक्टर चालक मौके से फरार हो गया और हादसे में मासूम बच्चों समेत 2 दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो गए। वहीं आनन फानन में ग्रामीणों और स्थानीय पुलिस ने सभी को बाहर निकाला, जिसके बाद 25 घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया और 1 दर्जन घायल लोगों को जिला अस्पताल लोहिया रेफर कर दिया। साथ ही 2 लोगों को डॉक्टर्स ने अब मृत घोषित कर दिया है। बता दें कि जिला अस्पताल पहुंचे SP अशोक कुमार मीणा और CMO डॉक्टर अवनिंद्र कुमार ने घायलों का हाल चाल लिया। वह पुलिस अब आगे की कार्रवाई में जुट गई है। या एक ट्रक की बात थी, टेम्पो वालों, सर ने बजाया तो लौट गया। टेम्पो वालों बजाया तभी लौट गया। तो आप कितने लोग ट्राली में बैठे थे? बहुत जने थे ट्राली में, सब बैठे थे। सब दब गए? अच्छा, आपके भी चोट लग गई? नहीं, मेरे इतने ही लगी। हाथ में लगी है? आप मम्मी पापा साथ में थे? पलटी हो गई थे, मोबाइल को जाते थे, मोबाइल को जा रहे थे। कितने लोग सवार थे? 40-45 आदमी थे, सभी थे। इनमें हमारे दोनों भाइयों की, 2 लड़की, 1 सभ्या, 1 सौम्या। सभ्या कितने साल की थी? सभ्या 9 साल की। उसके पिता क्या नाम था? सिद्धराम। अच्छा, और दूसरी जो सौम्या है वो कितने साल की थी? 15 साल की। उसके पिता क्या नाम था? बुद्धराम। तो दोनों आपके भाइयों की बेटी थी? दोनों हमारे छोटे भाई हैं। अच्छा, छोटे भाई हैं। अच्छा, मुंडन किसके परिवार में था? मुंडन हमारे नाती का था। आपके नाती का? सदाराम के लड़के का। सदाराम, अच्छा, आपका लड़का है सदाराम। ये आज अमृतपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत 4:15 बजे के करीब एक ट्रैक्टर था, ट्रैक्टर ट्रॉली, वो पलट गई थी। तुरंत से वहाँ पर पुलिस प्रशासन के सभी लोग द्वारा पहुंचकर उनको तुरंत से निकालकर CSC राजेपुर और जो लोहिया है यहाँ पे रेफर किया गया था, भेजा गया था। 13 लोगों को वहीं से, जिनके मामूली चोटें थी, उनका उपचार CSC राजेपुर में ही चल रहा है और वो ठीक है। बाकी उनमें से 12 लोगों को लोहिया अस्पताल, जिला अस्पताल में रेफर किया गया था, जिसमें से 2 लोगों की मृत्यु हो गई और 1 को सैफई रेफर किया गया है। बाकी अन्य जो 8 लोग वो एकदम अभी ठीक है, उनका लोहिया अस्पताल के अंदर इलाज चल रहा है और सभी खतरे से जो ये लोग हैं बाहर हैं। और इसके अंदर मौके पर ADM साहब और CU साहब हैं और यहाँ पर मेरे द्वारा सभी से, इनके घर वालों से बातचीत कर ली गई है और इसके अंदर आगे की जो वैधानिक कार्रवाई की जाए। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। उत्तर प्रदेश और देश भर की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम TV।